कि वकला पीआईसी की इमरजेंसी में कैसे घुसे, लाहौर न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में वकला की तोड़फोड़ देखी जा सकती है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, बताइएगा नई सीसीटीवी फुटेज के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ को जो नई सीसीटीवी फुटेज मौसूल हुई है उसमें वाजह तौर पर देखा जा सकता है कि वकला का एक जो बड़ा ग्रोथ था वो किस तरह जो हस्ता की एमरजेंसी है उसमें दाखिल हुआ, और दाखिल होते ही उनके हाथों में जो डंडे थे, जो सोटे थे, जो राड थे, उनसे उनके हाथों में जो भी चीज़ आई उन्होंने उस चीज़ को उतार के जो है वो फेंका, और जो भी उनके सामने मरीज या वाकिन आए उन पर डंडे सोटे भी बरसाए। और वाजह तौर पे देखा जा सकता है कि वकला का एक ग्रोह हस्पताल की एमरजेंसी में दाखिल होता है और वहाँ पे जो अहम जो मशीनरी पड़ी थी जिसमें कार्डिक मोनिटर थे, ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ऑक्सीजन मास्क थे, उनको भी तोड़ा जाता है, और साथ साथ जो बेड्स हैं और जो जो ड्रिप का जो स्टैंड है, टेबल जिस पे ड्रिप्स को हैंग किया जाता है उसको तोड़ के उसके जो राड्स हैं उनको निकाल के फिर उनको शीशों पे मारा जाता है, उनको टेबलों पे मारा जाता है, और मरीज़ और लवाइकिन और जो दीगर डॉक्टर्स व दीगर जो अमला था उनको उनसे जो है वो फेंटी छेंटी लगाई जाती है। फिर इसमें सीसीटीवी फुटेज जो लाहौर न्यूज़ को मौसूल है उसमें देखा जा सकता है कि आग बुझाने वाला जो आलात है एक वकला के हाथ में वो आता तो वो उस आग वाले आलात को उठा के जो है वो ऑपरेशन थिएटर की जानब फेंकता है, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी घुस के उनकी जानब से ऑपरेशन थिएटर को नुकसान पहुँचाया गया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो अहम जो मशीनरी पड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। फिर वकला की जानिब से हस्पताल की जो मेन एमरजेंसी है उसका रुख किया जाता है, वहाँ पे मैदान जंग का जो मंजर है वो पेश किया जाता है, वहाँ पे उनके सामने जो भी शख्स जो भी खड़ा या बैठा जो भी अफराद नजर आता है उनको उसको मारा जाता है, और मैदान जंग का ये मंजर है ये पेश किया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वाजह तौर पे देखा जा सकता है कि इस तरह के मनाजिर से जब हस्पतालों में तोड़फोड़ हो रही थी वकला ने खौफो हरास का एक आलम जो था वो सहर किया हुआ था। तो लाहौर न्यूज़ ने नई सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में वकला की तोड़फोड़ देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी आपका।